आप वो देखिए घंटाघर में कितना समय हुआ है, 11 बज रहे हैं और 2024 कश्मीर का विधानसभा का इलेक्शन, 10 सालों के बाद यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन हो रहा है और 11 बजे मैं, मेरी साथी तनु, तनु इधर आओ, तुम भी आज वीडियो के अंदर आओ, तनु भी साथ में है और बहुत सारी जो औरतें हैं मतलब महिलाएं हैं वो भी अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले यहाँ पर घूम रही थी। तो मैंने ये पूछा यहाँ के लोकल, एक बाबा जी भी बैठे हैं, इनसे हम लोग अभी बात करेंगे, मैंने इनसे ये पूछा कि बाबा एक बात बताइए, अभी से मतलब जब 370 हटा यहाँ से, मतलब 5 साल हो गए उस 2019 में हटा, तो उससे पहले क्या, जैसे 11 अभी बज रहे हैं, तो क्या हम लोग ऐसे घूम सकते थे यहाँ पे? तो बाबा ने कहा नहीं, माहौल ख़राब था, तो बदलाव हम यहीं से समझते हैं। तनु तुम्हें अभी कोई डर किसी तरीके का कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि मैं यहाँ घूम रही थी तो मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि हम लोग यहाँ आए हुए हैं लगभग 7 बजे से, हम लोग यहाँ ही बैठे हुए हैं सिर्फ ये माहौल देखने के लिए, और सिर्फ आज ही नहीं, हम लोग अक्सर यहाँ आए, जब से यहाँ आए तब से शाम को यहाँ बैठते हैं, तो सिर्फ हम लोग ही नहीं, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ बैठी रहती हैं, शाम को घूमती हैं लड़कियाँ, महिलाएं किसी तरह का कोई डर नहीं है। पहले भी घूम रही थी, अभी कुछ देर पहले भी घूम रही थी जब हम लोगों ने बाबा से बात करी, बाबा से बात किया। अब और भी यहाँ पर जैसे जैसे और भी लोग आएंगे ना, तो वो और लोग रात में घूमेंगे, उस तरीके का माहौल बनेगा थोड़ा सा। अब मैं जो है ना इनसे बात करती हूँ, ये लोकल है, पिछले 50 साल से ये कश्मीर में रह रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम चुनलाल शर्मा है। क्या नाम है? चुनलाल शर्मा। प्यूनलाल शर्मा, चुन्नीलाल, चुन्नीलाल शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं बाबा आप? मैंने इधर ही बनाया अभी रामबाग में, इधर बरजला। अच्छा, तो मतलब पिछले 50 साल से आप यहीं पे कश्मीर, कश्मीर में। अच्छा, जैसे अभी 11, जैसे मैंने अभी कहा जैसे 11 बज रहे हैं अभी, तो पहले हम लोग ऐसे घूम सकते थे? नहीं, पहले तो इतना भय भी था और ऊपर से फिर इतना माहौल भी नहीं था, माहौल नहीं था। हाँ, अभी माहौल बन गया तो हम घूम रहे हैं। 1 बजे मैं जाता हूँ, 12 बजे यहाँ से बराबर, 12 बजे बराबर निकलता हूँ मैं, 12:15 मैं 1 बजे पहुंचता हूँ बरजला अपने रहने के ठिकाने पर। तो ठीक है, अभी कोई भय भी नहीं है, कोई चक्कर भी नहीं है। कैसा लग रहा है आप कश्मीर में? अब अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया। हाँ, क्या कहेंगे अब इस कश्मीर के बारे में? बहुत अच्छा है, इस वक्त अच्छी चल रहा है, कोई भय भी नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है फिलहाल। तो आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो ऊपर वाला जानता है, मगर आ गया है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं आपने 50 साल कश्मीर को दिया, कश्मीर को आपने 50 सालों की अपनी ज़िंदगी में देखा है, तो अब का जो कश्मीर है और आपके पहले का जो कश्मीर, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल पहले का कश्मीर, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? अंतर अब तो शांति है ना, सबसे बड़ी चीज़ है शांति, अब तो शांति बनी हुई है, शांति बनी हुई है। हाँ, और किसको श्रेय देंगे आप इसका? इसका तो हुकूमत को ही देंगे, और किसको देंगे? कौन हुकूमत? मुस्कुराहट आ गई आपके। हाँ, हुकूमत का नाम बोलते नहीं, मतलब और कौन कर सकता है, जो चलाए बंदा वही, मतलब किसी और में दम नहीं था, और में दम कहाँ हो सकता, जो है इसी में है। जो है इसी में है, नाम बोलेंगे उनका? चलो, नाम तो आपके सामने ही है। क्या नाम आपके सामने है, तो इसमें अब अच्छा लगता है, मतलब ये कश्मीर पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा ही लगता है। ठीक है, परिवार आपका यहीं रहता है? सब परिवार इधर ही है, पूरा परिवार। हाँ, ठीक है। जैसे और भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग बाहर से आए यहीं क्या? हरियाणा से आए। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रवीण नाम। तो यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए यहाँ पे। अच्छा, पहली बार आए? नहीं, एक बार और आए थे हम, जब पल वहाँ पे गए थे हम अमरनाथ यात्रा पे। अच्छा, तो कब? अभी लास्ट ईयर है, बट यहाँ पे नहीं आए थे। हाँ, लाल चौक पे बड़ा नाम सुना था, बट यहाँ पे पहुँच के बारे में क्या क्या सुना था लाल चौक के बारे में? सुना था ऐसे ही कि अभी अपना भारत का झंडा लहराता है यहाँ पे। हाँ, पहले कुछ था, यहाँ का एनवायरनमेंट अलग था, पहले ये था, तो अभी
अच्छा लगा यहाँ पे। जैसे दिल्ली के अंदर एक माल रोड है जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। दिल्ली के अंदर कहाँ माल रोड है? दिल्ली के अंदर वो है अपना, दिल्ली में माल रोड नहीं है यार, सीपी है यार। मैं खुद ही रहती हूँ दिल्ली में यार, तो इसलिए मुझे मालूम है, दिल्ली की रहने वाली हूँ इसलिए मुझे मालूम है यार। चांदनी चौक, चांदनी चौक है जो चांदनी चौक वाला जो मतलब जो रास्ता है जो यहाँ पे मतलब ट्रैफिक ज्यादा, अभी रात को तो आ रहा होगा ट्रैफिक, बाकी दिन में मेरे हिसाब से नहीं आता होगा, तो पूरा वही माहौल है। अच्छा माहौल दिल्ली में, और इसमें कोई फर्क नहीं लग रहा आपको? फर्क तो है, मतलब वैसे मैं लोगों की बात करो तो चहल पहल उतनी है और उस तरीके से जैसे आपने कंपेयर किया दिल्ली से इसको, है पहले जो सुना था उससे बिल्कुल विपरीत। हाँ अच्छा है यहाँ का एनवायरनमेंट, अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, और यहाँ की सिक्योरिटी भी अच्छी है। सिक्योरिटी सबसे मेन है। अच्छा, मतलब कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, तो जन्नत जैसा लग रहा है? जन्नत जन्नत तो है ही, बाकी हम पहले भी आए थे, पहलगाम घूमे थे हम यहाँ पे, श्रीनगर में आए थे, हाँ तो जन्नत तो है ही, इसीलिए दोबारा आए। हाँ इसलिए दोबारा आए हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कश्मीर घूमने। अभी तक तो हमने घूमना स्टार्ट ही किया है, बट पिछली बार का बता सकता हूँ। पिछली बार का बताओ। वो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जो सबको सिर्फ एक बार ही हो सकता है। अच्छा, क्या कुछ पहले कश्मीर के बारे में सुना था आप लोगों ने? इनका लोड मत लो भाई, हरियाणा वाले हो ना आप लोग, लोड लोड और नहीं लेना। मतलब क्या क्या सुना था कश्मीर के बारे में और क्या पाया? यही कि मतलब वहाँ हिंदुओं के लिए इतनी सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, लोग तंग करते हैं वहाँ पे उनको, खाना अगर कुछ मतलब किसी अगर अच्छी जगह पर ना जाए तो कुछ भी खिला देते हैं वो, वेज बंदों को नॉन वेज खिला देते हैं। बट हमें लगा नहीं अभी तक, तो जहाँ भी खाना भी कुछ भी लिया है सब अभी तक सही लगा है सब कुछ। आपका नाम क्या है? सुमित देशवाल। सुमित देशवाल, क्या सुना था कश्मीर के बारे में? कश्मीर में मेनली लाल चौक में तो यही सुना था कि भाई अपना तिरंगा नहीं लहराने देते, मेन चीज तो ये थी। तो ये हमारे अंदर ये चीज थी कि भाई पिछली बार तो हम अमरनाथ यात्रा करने आए थे, तो यात्रा करके हम वापस चले गए। पिछली बार तो मतलब ये था कि जगह जगह रोक रहे थे क्योंकि यात्रियों के लिए इतना प्रबंध किया हुआ था। तो अब आप आज ही आए हैं, हम आज ही पहुंचे हैं, तो आज वो चीज़ नज़र नहीं आई जो यात्रियों के टाइम मतलब पिछले साल यात्रा के टाइम पे जो जितनी सिक्योरिटी थी, लेकिन यहाँ के देखा तो यहाँ फिर वही CRPF की वही सेम सिक्योरिटी, गली गली में अपना फौजी भाई खड़े हैं, ठीक है, पूरी सिक्योरिटी है। और आज यहाँ के देखा तो मतलब एक अलग ही नज़ारा है, अलग ही नज़ारा। हाँ अच्छा, जो इतने सालों में हमने कश्मीर के बारे में इतना सब कुछ सुना कि यही वो लाल चौक है जिसपे जो है पाकिस्तान का झंडा लगता था, तमाम तरीके के लोग यहाँ पे, हुर्रियत के नेता कॉल करते थे, हम लोग न्यूज़ में भी सुनते थे, है ना। अब जब हम कश्मीर के बारे में सुनते हैं तो एक अलग तस्वीर, जैसे मैंने इन बाबा से भी बात की, अभी बैठे थे, अभी शायद खाना खा रहे हैं वो, तो जैसे इनसे मैंने पूछा कि 11 बजे तक यहाँ पे आपको लोग घूमते हुए दिखते थे, तो कहते नहीं जी अब बदलाव कश्मीर में हुआ है। अब मेनली हाँ। मैं बता दूं, घरवालों के पास भी फोन कर रहे हैं ना, तो घरवालों के पास बोल रहे हैं हाँ पहुंच गए, तो उन्होंने किसी के सिखाए में आके रूम बदले लेना। अच्छा, मेन वर्डिंग ये है उनकी अभी भी, मैं कोई नहीं हम अपने आप देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ अपने सारे के सारे आर्मी है। अभी भी ये चीज है, मतलब अभी भी लोगों के अंदर थोड़ा सा डर है, जो मतलब थोड़ी सी ओल्ड जनरेशन है जैसे दादा दादी मम्मी पापा, क्योंकि वो अभी आए नहीं है यहाँ पे, अभी भी वो डर है उनके अंदर कि आप कश्मीर में जा रहे हो, आप लाल चौक पे जा रहे हो, वहाँ पे आप मतलब रूम मत लेना, ये मतलब। बट यहाँ पे आके फील हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम दिल्ली में गुड़गांव में घूमते हैं रातों, ऐसे हम यहाँ घूम रहे हैं, पूरा इंजॉय कर रहे हैं, और बढ़िया यहाँ पे खाना खाया हमने पंजाब हट्टी पे, तो मस्त एकदम, जब मजा आ गया। अच्छा, किसको देंगे श्रेय? मतलब एक होता है ना कि इसको श्रेय देंगे हम इस चीज़ का कश्मीर के बारे में, अभी जैसे आप कह रहे हो कि आपके मम्मी पापा ऐसा सोचते थे कश्मीर के बारे में, श्रेय किसको दोगे बदलने का कश्मीर? देखो श्रेय जो है वो पूरा सारा एनवायरनमेंट ही है, सबसे जो मैन है अपने फौजी भाई CRPF और ये सारे ही हैं, बाकी मैं किसी पार्टी को इसका श्रेय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो यहाँ की संस्था है वो पार्टी से या उससे मैं कोई वो नहीं करूँगा, उससे कंपैरिजन नहीं करूँगा कि मोदी सरकार ने कराया है या कांग्रेस सरकार ने कराया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ का एनवायरनमेंट है, जो भी कुछ है, सारे पब्लिक सारे आप जैसे लोगों मीडिया या सब कुछ उनकी वजह से ही है, क्योंकि मैन जो पॉइंट है वो आप ही है, अगर आप कुछ अच्छा दिखाएंगे, आप कुछ अच्छा बताएंगे तो सबको अच्छा ही लगेगा। तो ये हमारी बातचीत यहाँ पे, कुछ भाई हैं इधर भी रह गए, नहीं थोड़े बात कर लेते हैं यार, ऐसे कैसे? हाँ ठीक है, नाम क्या है आपका? अमित यादव। अमित यादव, यस। आप हरियाणा से आए? यस यस। कैसा रहा कश्मीर आके? काफी अच्छा लगा, नहीं पहली बार आया हूँ मैं तो, हाँ। तो काफी अच्छा लग रहा है। फिर से मैं वही सवाल पूछूंगी, घीटा पिटा क्या सुना था कश्मीर के बारे में, क्या पाया कश्मीर को? नहीं वही सुना था जो सब लोग सुनते हैं, काफी अच्छा लग रहा है वो तो,
ये मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे को लेकर के आए, मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर। क्या बोल के लाए गुरुजी? गुरुजी बोल के लेके आए, काफ़ी अच्छा मौसम है वहाँ पर, काफ़ी बर्फबारी भी होती है, और हम सीधा यहाँ से लेह लद्दाख के लिए जा रहे हैं। अच्छा। तो लाल चौक के बारे में उन्होंने बोला कि लाओ मैं लाल चौक दिखाता हूँ, तो काफ़ी उन्होंने लाल चौक दिखाया, काफ़ी मज़ा आया, खाना खिलाया उन्होंने यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा इन्जॉयफुल लगा हमें यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा, कहने का मतलब ये है। हमें तो हमारी बात करते करते 11:15 हो गए हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि मज़ा आ रहा है हमें कश्मीर के अंदर। और मैं जब यहाँ के अभी बाबा से ही बात की है तो उन्होंने बताया कि पहले ऐसा कुछ माहौल नहीं था, तो ये बदलाव कहेंगे कश्मीर को। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि लाल चौक पे आए तो हिस्टोरिक फोटो खिंचवाए कि नहीं, क्योंकि सब पहले आके वही करवाते हैं। खिंचवा लिए, कम से कम 10-10 फोटो खिंचवाए हमने। घर वालों का क्या रिस्पांस है जब उनको पता चला आप कश्मीर जा रहे हो तो? क्या नहीं, आप पहले तो बोल रहे थे कि कश्मीर मत जाओ, कश्मीर मत जाओ, वहाँ पर हर समय खतरा रहता है, तो लेकिन यहाँ आकर के पता चला हम एकदम सिक्योर हैं, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जैसे कि माहौल बना रखा है कि वहाँ पर ज़्यादा खतरा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिक्योर फील हो रहा है, कहीं पे कुछ भी नहीं, 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 कुछ भी खतरा महसूस ही नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं, एकदम सिक्योर। अच्छा, एक शब्द अगर कश्मीर के बारे में बोलना चाहो तो क्या बोलूँ? तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा काफ़ी अच्छा जगह है, जिन भाइयों के अंदर डर बैठा हुआ है कि कश्मीर नहीं जाना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, विजिट करें और देखें यहाँ का माहौल, लाल चौक को देखें, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नहीं है जैसे कि लगता है वहाँ पर डर है, सिक्योर फील है एकदम 100% सिक्योर फील है। तो ये जो है वो लाल चौक पे, मैं इसलिए आज रात में आई थी कि थोड़ा मैं यहाँ पर जाके देखूँ कि क्या माहौल है, क्या मतलब क्या कुछ यहाँ पर रहता है, क्योंकि दिन में तो काफ़ी भीड़ रहती है। आप लोग दिन में आए इधर? दिन में नहीं आए आप लोग? लग रहा है कि जैसे हाँ, आपको बता रहा था हाँ, कि जैसे वहाँ का चांदनी चौक है हाँ, तो चांदनी चौक पे दिन में जो क्राउड होता है वहाँ पे बिल्कुल सेम वही टू कॉपी की हुई है कि यहाँ पे पूरा ये लगा हुआ है ताकि मतलब साधन अंदर नहाए, यहाँ पे पूरा घूमे फिरे, बिल्कुल वही है दिन में, जिस हिसाब से यहाँ का एनवायरनमेंट है, जिस हिसाब से यहाँ पे शॉप है, होटल्स है, तो यहाँ पे इतना क्राउड होगा मेरे हिसाब से गाड़ी लाना भी यहाँ भी महाभारत होगा, जो कि रात को इंजॉय कर रहे हैं वो दिन में ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये इसी के साथ ये मैं आपको लाल चौक से दिखा रही थी पूरा क्या कुछ रात के। थैंक यू सो मच भाई। तो ये लोग हरियाणा से आए थे शायद, पूरा ये ग्रुप है, और ये बाबा यहाँ के लोकल थे जिनसे मैंने आपको बातचीत करके, जिसमें ये भाई साहब भी आ गए थे, थोड़ा सा परमिशन हमसे मांग लिया, अभी मैं इनको परमिशन दिखाऊंगी कि क्या कुछ हमारे पास परमिशन है। और बाकी यहाँ पर आप दिन से अगर शाम को देखेंगे तो इतने सारे आपको माइक आईडी ऐसे मेरी तरह मिल जाएंगे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद, और बाकी तमाम कश्मीर की स्टोरीज़ अभी तो मैं हूँ, पूरे इलेक्शन तक मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी राजधर्म पर। इसी के साथ धन्यवाद।